तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि हम अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को अपने फेसबुक अकाउंट से किस तरह अलग कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपका इंस्टाग्राम अकाउंट आपके फेसबुक अकाउंट के साथ लिंक है तो आप जो है उसे डी लिंक यानी डिसकनेक्ट कैसे कर सकते हो, दोनों आपके जो है अकाउंट आप अलग कैसे कर सकते हो। दोस्तों बहुत ही सिंपल है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो मैं अपने इंस्टाग्राम में लॉग इन हूँ, तो आपको क्या करना, सिंपली आपके प्रोफाइल पेज पर चले जाना है इंस्टाग्राम के। यहाँ पर जो है आपका फेसबुक अकाउंट और इंस्टाग्राम अकाउंट जो है दोनों भी लिंक है, यानी ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो इन्हें अलग कैसे कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपको अपने प्रोफाइल पेज पे आ जाना है। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे राइट हैंड साइड की तरफ थ्री लाइंस दिख रही है दोस्तों, सिंपली उस पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो कुछ इस तरह के ऑप्शन आपके सामने आ जाते हैं, तो सिंपली हमें सेटिंग्स में चले जाना है दोस्तों। सेटिंग्स में चले जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ और ऑप्शन आपको नजर आएंगे, तो यहाँ पे स्क्रोल करते हुए नीचे जाना है। यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा अकाउंट्स का, सिंपली अकाउंट्स में चले जाना है। अकाउंट्स में चले जाने के बाद फिर से कुछ ऑप्शंस आपके सामने आ जाएंगे, तो यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों, एक ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई देगा शेयरिंग टू अदर एप्स, सिंपली उसमें चले जाना है। जैसे हम इसमें एंटर होते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर लिख के आ रहा है मेरा फेसबुक जो है मेरे अकाउंट यानी इंस्टाग्राम अकाउंट के साथ लिंक है। यहाँ पे आप देख सकते हो ब्लू टिक आ रहा है दोस्तों, यानी मेरा फेसबुक अकाउंट मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट के साथ लिंक है। तो सिंपली क्या करना है, मुझे उस पर क्लिक करना है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। तो नीचे जो लिख रहा है ना मेटा, मेटा लिखा हुआ है, उसी के नीचे लिखा हुआ है अकाउंट सेंटर, तो सिंपली हमें उसमें क्लिक करना है। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं यहाँ पे फिर से कुछ ऑप्शंस आपके सामने आ जाते हैं, तो यहाँ पे सिंपली हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए शेयरिंग अक्रॉस प्रोफाइल, यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट दोनों ही लिंक है। अगर कोई और अकाउंट आप ऐड करना चाहते हो तो ऐड अकाउंट पे क्लिक करके आप कर सकते हो, लेकिन अभी जो है हमें रिमूव करना है यानी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को फेसबुक अकाउंट से अलग करना है। तो सिंपली बैक चले जाते हैं, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखता है अकाउंट सेटिंग, सिंपली अकाउंट सेटिंग के नीचे एक ऑप्शन आपको दिखा देगा अकाउंट्स, सिंपली उसमें एंटर हो जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा फेसबुक अकाउंट भी दिख रहा है, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट भी दिख रहा है, तो मुझे फेसबुक अकाउंट को रिमूव करना है। तो फेसबुक के आगे जो रिमूव लिखा हुआ है सिंपली उस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे जो ऑप्शन आ रहा है आर यू श्योर वॉन्ट टू रिमूव फेसबुक अकाउंट फ्रॉम इंस्टाग्राम अकाउंट, तो यस करना है ना आपको, निकालना है। तो क्या करना पड़ेगा, रिमूव अकाउंट ऊपर जो लिखा हुआ है उस पर सिंपली क्लिक करना है। यहाँ पे आपको कंटिन्यू कर देना है दोस्तों, कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आपको रिमूव अबरा रीनामदर यानी मेरा फेसबुक का जो अकाउंट है उसको रिमूव करने के लिए इस पर क्लिक कर देना है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा फेसबुक का अकाउंट जो है मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट के साथ अब लिंक नहीं रहा, यानी रिमूव हो चुका है मेरे इंस्टाग्राम से मेरा फेसबुक का अकाउंट। यहाँ पे जैसे आप देखोगे ना शेयरिंग अदर ऐप, तो यहाँ पे आप देख सकते हो फेसबुक सिंगल लिख के आ रहा है, पहले इंस्टाग्राम का अकाउंट जो है लिंक था यहाँ पे ब्लू टिक आ रहा था, अभी नहीं आ रहा है दोस्तों, यानी मेरा फेसबुक का अकाउंट अब इंस्टाग्राम के साथ लिंक नहीं रहा, दोनों अलग अलग हो चुके हैं। तो दोस्तों इस तरह जो है आप बहुत ही इजीली आसानी से अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को अपने फेसबुक अकाउंट के साथ अलग कर सकते हो, डीलिंक कर सकते हो। तो होप दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करना, चैनल को याद से सब्सक्राइब करना।